ये क्या है, क्या है ये? मेरे संदेश को मेरे आदेश में परिवर्तित कर दिया उसने। एक साधारण नारी की ऐसी उद्दंडता, वो भी सभी के ईश मुझ महेश के साथ। दंड दूंगा इसका, अत्यंत कठोर दंड दूंगा उसे। सेनापति चिक्षोर, सचित करो अपनी सेना, आक्रमण करूंगा, नष्ट कर दूंगा उसका निवास, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। मां, हम अपने उद्देश्य में सफल होने वाले हैं। महिषासुर आपसे युद्ध करने यहाँ आ रहे हैं। पुत्र, मुझे ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि इसीलिए तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। माँ, जगत जननी महाशक्ति हैं आप। संपूर्ण असुर सेना को पल भर में भी नष्ट कर सकती हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि शीघ्र आप इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौट आए। किंतु पुत्र हूँ आपका माँ, इसलिए चिंतित भी हूँ। पुत्र, मेरे इस अवतार के लक्ष्य सिद्धि में तुमने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ माँ, किंतु मेरी भूमिका अभी समाप्त कहाँ हुई है? मुझे तो अभी बहुत कार्य करने हैं। कार्य? कैसे कार्य पुत्र? माँ, मैं सज्जनों एवं भक्तों के लिए विघ्न हरता हूँ तो दुष्टों और दुर्जनों के लिए विघ्न करता भी हूँ। तो मैं महिषासुर को आप तक निर्विघ्न कैसे पहुँचने दूंगा माँ? महाराज, आपके आदेश अनुसार हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। पथ पर निकले हैं अधर्म का मार्ग है और प्रत्येक अधर्मियों के कार्य में विघ्नकर्ता बनता हूँ मैं। महाराज महिषासुर की जय। महाराज महिषासुर की जय। ओ महाराज, ये चक्रवात अकस्मात कैसे उत्पन्न हो गया? गणेश की ये कैसी लीला है? देवी, ये गणेश की चतुराई है। विघ्नहर्ता गणेश महिषासुर और उसकी सेना के लिए विघ्नकर्ता गणेश बन गए हैं। उनके मार्ग में बाधाएं दे रहे हैं, महिषासुर को ये अशुभ संकेत दे रहे हैं, ताकि महिषासुर को ये आभास हो जाए कि उसका विनाश निकट है और युद्ध के पूर्व ही उसकी सेना तन और मन से टूट के बिखर जाए। ये क्या?
रक्त की वर्षा, ये तो अत्यंत अशुभ संकेत है। शुभ अशुभ तो दुर्बलों का अस्त्र होता है। अपने शत्रुओं के लिए मुझसे बड़ा अशुभ और कोई नहीं। आगे बढ़ो सैनिकों! महिषासुर, अनेकों अवसर देने के बाद भी आपने उसका कोई लाभ नहीं लिया। आपके स्वप्न में भी आपको चेतावनी दी मैंने, किंतु आपने माँ से क्षमा नहीं मांगी। और अब भी आपके मार्ग को अशुभ संकेतों से भर दिया है मैंने, किंतु फिर भी आप स्वयं और अपनी सेना को विनाश के गर्त में धकेल रहे हैं। महिषासुर, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में ही एक महिष हैं। स्वर में अपना विलाप करो। और भी अशुभता के संकेत, ये भेड़ियों की सुर। महाराज, अश्व तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, अपने स्थान पर ही रुक गए हैं ये। अश्व आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाए तो बहुत अशुभ संकेत होता है महाराज। अश्व रुक गए हैं, हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं, कोई तो गुप्त रहस्य है इसके पीछे। तो इन भेड़ियों से भयभीत हो रहे हैं अश्व, बाधा विघ्न उत्पन्न कर रहे हो तुम बालक। समझ गया मैं, किंतु तुम्हारी माया धरी की धरी रह जाएगी। मैं हूँ ईश, महानतम महिष, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र सभी विघ्नों को मिटाकर उस दुष्ट कात्यायनी तक पहुंचूंगा मैं। तब मैं वही करूंगा जो अभी इन भेड़ियों के साथ करने वाला हूँ। सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। अशुभ मेरे लिए क्या होगा, मैं तो स्वयं अशुभ संकेत हूं उस कात्यायनी के लिए, उसका काल हूं मैं। कात्यायनी, कात्यायनी। देखा, मेरे सैनिकों के समक्ष साहस दिखाना स्वांग था उसका। भयभीत होकर कहीं छिपी है वो दुष्ट नारी। सैनिकों को मैं आदेश दूं।
उन्हें खींचते हुए लाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। कदाचित वैसा ही स्वप्न और यह स्त्री बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महेश हूं मैं। उसको कर दे विवश, ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी। जगत जननी हूं मैं, तुम्हारी भी माँ हूं, और संतान माँ को कुदृष्टि से देखे ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर को दृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी।
इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। मेरे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। माँ हूँ मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ, यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं, उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। प्रारंभ हो चुका है देवगणों, और माँ ने अपनी धनुष की टंकार से महिषासुर की सेना को पीछे धकेल दिया है। जिक्षुर आक्रमण करो, घसीटते हुए लाओ उसे मेरे पास। महाराज महिषासुर की आत्मा। Yeah.
माँ ने अपनी सेना स्वयं प्रस्तुत कर ली। उनके गण, सिंह और शस्त्र मिलकर महिषासुर की सेना को नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। चक्षुर, चक्षुर! माँ ने तो महिषासुर के सेनापति चिक्षुर को बांध कर ऐसा खींचा है कि वो कदापि नहीं उठ पाएगा। किंतु पिताश्री क्यों नहीं आया अभी तक? युद्ध की समाप्ति के पश्चात माँ को कैलाश ले जाने के लिए पिताश्री को यहाँ अवश्य होना चाहिए था। भले ही तुमने चिक्षुर जैसे योद्धा का वध कर दिया, किंतु ये इस युद्ध की समाप्ति नहीं। अब मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा आएगा, जामर! जामर! ये स्वयं इतना विशाल काय है, और अपने विशाल हाथी पर बैठकर यह असुर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा है। जाओ, उस दुष्ट नारी का अंत कर दो, अंत कर दो उसका। अवश्य महाराज। को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। सोमनंदी,
मेरा सिंह आहत हो गया। इसका ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। माँ, मुझे माँ की चिंता हो रही है। मूषक जी, गणेश जी, ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ की सहायता करूंगा देवराज, उन्हें अकेले असुरों से जूझते नहीं देख सकता मैं। रुक जाओ पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, मुझे माँ की सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी मातृभक्ति मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु पुत्र तुम ये भी समझो कि नियति ने अभी निर्धारित कर दिया है कि दुष्ट महिषासुर का अंत एकाकी तुम्हारी माता के हाथों ही संभव है। उचित है पिताश्री। महाराज को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। मेरी सेना मिटती जा रही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। ए स्त्री, तुम्हारे लिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महिष अकेला ही सेना के समान हूं। महिषासुर माता कात्यायनी को छोड़कर किस ओर बढ़ रहा है? माँ के सिंह की ओर। वो माँ के सबसे बड़े सहायक को युद्ध से बाहर करना चाहता है। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा मैं, फिर तुम्हारी स्वामिनी का। शेष नहीं रहेगा।
दुष्ट सिंह, तुम्हारा अंत तो मैं करके ही रहूंगा। महिषासुर अब माँ के सिंह तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि माँ अपनी ऊर्जा के कवच से उनकी रक्षा कर रही है। कात्यायनी, तुम अपने सिंह और गणों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्वयं जीवित रहना होगा, और वो मैं अब होने नहीं दूंगा। महानतम महिषासुर अब शीघ्र तुम्हारा अंत करेगा। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। नहीं 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 नहीं, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। एक स्त्री मेरा अंत करे, ये नहीं हो सकता। से बढ़कर कौन है माँ, निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है माँ, निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। दुखियों विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को, कहो से कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। मैं महेश सबका ईश। Oh!
देवी कात्यायनी का क्रोध तो महिषासुर के वध के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। सृष्टि के कल्याण के लिए इनका शांत होना अत्यावश्यक है। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंदु शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंदु शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विष मोषिणी घोषरते वर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विष मोषिणी घोषरते तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य गते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते अहंकार और अधर्म व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।